आप इस्तेमाल किया हुआ पुराना मेकअप नहीं फेंकना चाहते? हमारे पास इसे नया जीवन देने का आइडिया है। गुड़िया के फर्नीचर के आइडियाज देखें लाल हीलू पर। एक DIY बिस्तर बनाने के लिए हमें पुराने आई शेडो पैलेट की जरूरत है। कोनों और बिस्तर के कोनों को क्राफ्ट के गत्ते पर ट्रेस करें। इसे क्रिएटिवली आकार दें और सिरहाने पर पैलेट ट्रेस करें। दो मिलते हुए टुकड़े काटें। सारे टुकड़ों को बिस्तर की सतह पर चिपका लें, जो कि एक मेकअप पैलेट है। हमारा बिस्तर बस खूबसूरत ही नहीं, काम का भी है। क्राफ्ट कार्डबोर्ड में से एक दराज काटें। एक भागों में बटने वाला दराज काटें। ऊपर के हिस्सों को खुला रहने दें। दो और डब्बे का आकार काट के सामने की तरफ चिपका दें और हैंडल्स के तौर पर मोती लगा दें। टुकड़ों को चमकते हुए पेंट से रंगें। कोनों पर गोल्ड टेप चिपकाएं। हम एलोवेल को ठंडे बिस्तर पर नहीं सोने दे सकते। चलो कपड़े का एक गद्दा बना लें। मेकअप स्पॉन्ज में से प्यारे प्यारे नरम तकिए काटे। एक कंबल भी रख दें, जो कि आप आराम से एक सॉफ्ट बेड पर सोए बिना नहीं कर सकते। खाली परफ्यूम की बोतल को ना फेंकें, ये एक बढ़िया छोटा गमला बन सकता है। हम चाहने वालों को फूल देने का इंतजार नहीं करेंगे, चलो इसे ताजे फूलों से भर दें। अगले क्राफ्ट के लिए हमें एक पुराना ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। एक सीड काटिंग उठाव को छुपाने के लिए हम कपड़े के कवर का इस्तेमाल करेंगे। फिटिंग शेप का टुकड़ा काटें और ध्यान से कोनों को जला दें। फिर उसे कुर्सी से चिपका दें। पतली साटन रिबन को कोनों पर चिपकाएं। हमारी पहली कुर्सी तैयार है। अब अगली कुर्सी बनाने का समय है। सिलिकॉन ब्यूटी ब्लेंडर के स्टैंड पर एक कट के लिए जगह मार्क कर लें। चाकू की मदद से ब्यूटी ब्लेंडर में से कुशन काटें। अब हमें बस सीट को फ्रेम के अंदर चिपकाना है। नरम और स्टाइलिश हाथ रखने वाली कुर्सी किसी भी इंटीरियर को पूरी तरह से पूरा कर सकती है। एक छोटी आई शेडो पैलेट को क्राफ्ट कार्डबोर्ड पर ट्रेस करें। बिस्तर के साथ में रखने वाली टेबल को कोनों से काटें और साथ में चिपका दें। एक फिट होती हुई कैप को काटें और उसे पैलेट के ऊपर चिपकाएं। ब्रिसल्स काटें और मेकअप ब्रश के हैंडल्स हटा दें। ये टांगे बनेंगी। सारे दिखने वाले हिस्सों को बेज एक्रेलिक पेंट से कोट करें। कोनों पर सजावटी गोल टेप लगाएं। एक मेटलिक बीड को टेबल के सामने वाले हिस्से पर चिपका दें। चेहरे के पुराने कॉम्पैक्ट पाउडर में से शीशा निकालें, उसके आसपास एक रस्सी चिपका दें। मेटलिक तार को कुछ पतले टुकड़ों में बांटें प्लास का इस्तेमाल करके। इन सबको शीशे पर चिपकाएं। किरणों पर रंगीन मोती लगाएं। अब हमारी एलोवेल गुड़िया अगर कुछ खूबसूरत दिखना चाहती है तो वो बस अपने शीशे के सामने जा सकती है। अलग आकार और रंग के मोती तार के टुकड़े में डाली। ऊपर एक ढक्कन रख दें। लैम्प के आसपास सजावटी टेप लगा दें। हम इसे बिस्तर के पास रखने वाले टेबल पर रख सकते हैं। ये गुड़िया के कमरे के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। और ये आ गई एलोवेल। थोड़ा व्यायाम, कूदने के लिए बहुत देरी नहीं हो गई? ओह, हमें नहीं लगा था कि ये होगा। एलोवेल अपने शीशे तक नहीं पहुँच पा रही लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी परछाई देखने के लिए कुर्सी ले आई। वाह, तुम लाजवाब हो। अब हमारी गुड़िया शांत है, हम उसे बिस्तर पर रख देते हैं।
स्वीट ड्रीम्स। और जब तक गैलवेल सो रही है, हम उसके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार करेंगे। एक पुरानी आई शेडो पॉट से एक पेट वाली कुर्सी बना ले। आई शेडो पॉट के अंदर का हिस्सा सफेद गत्ते से ढकें। आसपास एक रस्सी चिपकाएं। एक और दो, हमारी सीट तैयार है। मेकअप ब्रश के हैंडल्स को टांगों की तरह नीचे चिपकाएं। कुर्सी के नीचे के हिस्सों को फ्रिंज से सजाएं। छोटी पर बहुत जरूरी बारीकी बची है। गत्ते में से एक छोटा दिल काटें। सफेद गूंद का इस्तेमाल करके उसको कुर्सी के पीछे चिपका दें। एलवेल को याद दिलाना जरूरी है कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हमारी आंखें तुमसे हट ही नहीं रही। हिलो मत, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले लेती हूँ। एक टॉप मॉडल का पेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब बाथरूम में चलते हैं। लिक्विड कपड़े धोने वाले सर्फ की एक बोतल का हिस्सा चाकू की मदद से काटें। नहाने वाले टब को सफेद एक्रिलिक पेंट कर दें। हल्के स्ट्रोक्स मार के सूखे ब्रश से गोल्ड एक्रिलिक पेंट करें। ऐसा दिखाए जैसे पुराना है। आसपास ऊपरी हिस्से पर रस्सी चिपका दें। चलो इसे टांगे दें। मोती उसके लिए बढ़िया रहेंगे। सजावटी गोल्डन रिंग्स हैंडल्स की तरह साइड में चिपका दें। अब नहाने वाले टब को फूलों के पैटर्न से सजाएं। टुकड़ों को काटें और सफेद गोंद से चिपकाएं। कोनों पर रस्सी लगाएं। काले एक्रिलिक पेंट से नाली बना लें। रस्सी पर प्लग की जगह एक मोती चिपकाएं। हमारे पास दूसरी तरफ एक लंबा मेटेलिक मोती का बना हुआ नलका होगा। हम इसे नहाने वाले टब से जोड़ देंगे। प्लग को नाली के अंदर डालें ताकि पानी बहे ना। चलो अपने नलकों के लिए हैंडल्स बनाएं। मोती को तार के अंदर पिरो लें ताकि वो नलके के हैंडल्स की तरह दिखे। बचा हुआ हिस्सा प्लास्टिक काटें। इसे नलके के पास चिपकाएं। ये रहा हमारा विंटेज नहाने वाला टब तैयार है। हमारी गुड़िया अब एक असली महिला जैसी महसूस कर रही है। पर बस इतना ही नहीं, एक मिसलर वाटर के डिब्बे का बीच का हिस्सा काटें। एक गरम चाकू की मदद से बोतल की गर्दन काटें। कट को बराबर कर लें। आप नीचे एक क्राफ्ट कार्डबोर्ड लगा सकते हैं। हम पीछे एक डेकोपेज तस्वीर बनाएंगे। कागज की ऊपरी परत टेप से हटा लें। तस्वीर को फाड़ें। सफेद गोंद का इस्तेमाल करके चिपका लें और चमकदार पॉलिश से कोट करें। एक सफेद रस्सी सारे कोनों पर चिपका दें। लकड़ के स्पैचुला को टुकड़ों में अलग करें ताकि हमें सामान रखने वाले कैबिनेट के शेल्व्स मिल जाएं। फिर शेल्व्स को सामने रखने वाले कैबिनेट के अंदर चिपकाएं। ऊपर एक पौधा इसको पूरा कर देगा। अब बस हमें अंदर सामान रखना है और हमारा सामान रखने वाला कैबिनेट एक कभी ना हटने वाला बाथरूम ऑर्गेनाइजर होगा। इसके अंदर सब आ जाएगा, शैम्पू और परफ्यूम्स। एक बालों की डाई का डब्बा लें। फोल्डिंग स्क्रीन पर फिट होती हुई एक फूलों की तस्वीर झांपें और उसे काटें। इसको रख कर आकार ट्रेस करें।
और अब इसे काटें। ग्लू स्टिक की मदद से इस फोल्डिंग स्क्रीन पर चिपका दें। सफेद रस्सी की मदद से हिस्से और रिम्स बना लें। टांगों की जगह मोतियों का इस्तेमाल करें। इन्हें चिपका लें ताकि ये हिले नहीं। हमें हमारी असली महिला के लिए एक बहुत सुंदर फर्नीचर मिल गया। अब हमारी गुड़िया अपने कपड़े बदल सकती है। चलो कुछ नहाने की फोम डाली। पानी बिल्कुल बढ़िया है। गर्म पानी में बुलबुले और खुशबूदार मोमबत्ती जलाकर नहाना, इसका मजा कुछ और ही है। एक थकान भरे दिन के बाद अगर आपके पास पुराना मेकअप बचा है तो लाल इलू को सब्सक्राइब करें। हमारे पास मेकअप को गुड़िया के फर्नीचर में बदलने के बहुत सारे आइडियाज हैं। वीडियो को लाइक करें और घंटी को दबाएं। अगली बार मिलते हैं।